दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप मार्वेंस का फ़ोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी को देने की सोच रहे हैं। तो मैंने अभी 7 सितंबर को मैंने फ़ोन लिया था मार्वेंस स्टोर से, ऑफिशियल स्टोर, मतलब मैंने जाके फ़ोन लिया था। और इन्होंने मेरे को ये बिल दिया, जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि हर फ़ोन के साथ लिखते हैं विद बिल एंड वारंटी। तो यही वो बिल है और यही वो वारंटी कार्ड है। और ये मैंने 7 सितंबर 2021 में लिया। और इन्होंने ये मेरे को, ये आपको ऐसा कुछ बिल देंगे आपको कुल मिला के, ये इसका कोई वो नहीं है। और मेरे को इन्होंने 3 महीने की वारंटी बोली है कि आप 3 महीने में कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप वापस कर देना। और मैंने ये आईफोन एक्स लिया है, वही 31,000 में लिया था मैंने, अब तो शायद ये 30,000 का हो गया। बट इसकी मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशन की बात करते हैं पहले। कंडीशन फ़ोन की A1 देंगे आपको, एकदम A1 देंगे, कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, मतलब फ़ील भी नहीं होगा कि मतलब फ़ोन अनपैक्ड है, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं एक मिनट के लिए भी। बट अंदर से बात करते हैं अपन फ़ोन की। फ़ोन जब मैंने फ़ोन लिया था तो मैं भी कुछ आपकी तरह ही इसकी रिसर्च कर रहा था मार्वेंस की, कि कैसे फ़ोन आते हैं, क्या वारंटी देते हैं या नहीं देते, सर्विस है या नहीं है, क्या इनका सिस्टम है। और मेक आपका पता नहीं, आपको तो खैर ये वीडियो मिल गई, बट मेरे को एक भी वीडियो नहीं मिली थी इसकी रिव्यू की। मतलब किसी भी बंदे ने मार्वेंस के फ़ोन का रिव्यू नहीं कर रखा था। तो हालांकि मुझे आप लोगों से मतलब है नहीं, बट मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि यार एक बंदे को तो वीडियो बनानी चाहिए थी मार्वेंस के फ़ोन पर। तो मैं बना रहा हूँ विद प्रूफ कि ये मतलब मैंने फ़ोन मार्वेंस से लिया है। मैं आपको बिल पे दिखा देगा कि 31,000 और फ़ोन, ये इधर फ़ोन मॉडल लिखा हुआ है, ये नंबर है, पता नहीं क्या काम है इनका। और तो मैंने, मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं ही इस पर रिव्यू कर देता हूँ आज। लेकिन मैं भी आज 25 दिन बाद मेरे चीज़ दिमाग में आई कि मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए। इतने दिन तो मुझे भी नहीं लगा कि यार इसकी रिव्यू क्यों, मैं क्यों करूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ कि हाँ मेरे को अपना फ़ोन मिल गया, मैंने अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज मेरे को ये ज़रूरत पड़ गई इसकी रिव्यू करने की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या प्रॉब्लम आई है मार्वेंस के मेरे ये 25 दिन बाद आज। तो अपन इसके फ़ोन के अंदर की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी बैटरी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट अपन जो देखते हैं आईफोन के अंदर। बैटरी हेल्थ इसकी 100% थी, मैंने लिया तब 100% थी और अभी भी इसकी 100% ही है, 25 दिन हो गए। बैटरी मतलब सही चलती है एक्स के हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी डिस्प्ले है काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की, तो हिसाब से अच्छी चलती है फ़ोन डिस्प्ले। बट इसमें जो प्रॉब्लम आई है अब 25 दिन बाद, मैं आपको वो 25 दिन, हाँ 25 दिन हो गए मेरे को लगभग लगभग, आज 1 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसकी आज प्रॉब्लम आई है, जो वो आई है मेरे इसके डिस्प्ले के अंदर। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, डिस्प्ले के अंदर। मुझे नहीं पता इसकी लोकल है नहीं, क्योंकि मैं इतना कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ नहीं इन चीज़ों के अंदर। बस मैं नॉर्मल फ़ोन, मतलब मैंने यूज़ करने के लिए है, कोई ऐसे शॉप के लिए नहीं लिया। तो ये एक टच का टेस्ट है, ऐप आता है, मतलब काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी लो ऐसे है, बट लेकिन हाँ यूज़ टू है, अपन इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी डिस्प्ले एकदम सही है, बट सही चल रही थी अब तक। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ये देखो आप, समझ में आ रहा है आपको कि ये यहाँ पे काम ही नहीं कर रही, इसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। और ये देख लो आप, मतलब मैं यहाँ पे लाऊँगा और ये यहाँ पे लाते ही मतलब यहाँ से कुछ काम ही नहीं करी बिल्कुल, इसके बीच में मैं कुछ भी करूँ इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो ये आज प्रॉब्लम आई है इसकी, अब मेरे को दोबारा बड़ौदा जाना पड़ेगा।
बात ये नहीं है कि मेरे को ठीक करके देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं अब जयपुर रेजिडेंस में रहता हूँ और मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा सिर्फ ये कि बग की वजह से भाई। इनके साथ ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, पता नहीं कितने लोगों के साथ होती होगी, पता नहीं वो ठीक करके देंगे भी या नहीं देंगे। इस कारण ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या पता कोई वो भी कर दे चीटिंग वगैरह, तो मैं आपको बता सकूँ कि हाँ मैंने वीडियो पहले बना दी थी और पहले अपलोड कर दी थी। और मैं सर्विस क्या बताऊँगा आपको कि ये मेरे को क्या रिप्लाई देते हैं, बट आप क्लियर कट देख सकते हो कि बीच में कोच भी टच काम नहीं कर रही, ये हल्का सा पता नहीं क्या है हो गया होगा। अगर आपको एक क्लिक बेट लगता है तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। ये मैंने व्हाट्सएप खोला है और मैं आपको ये दिखा, ये मैंने जैसे कोई नंबर है मतलब पिक है, और ये ब्लैक में थोड़ा सही रहेगा आपको एक्सप्लेन करने के अंदर। मैंने कलर चूज़ कर लिया राइटिंग के लिए। अब मैं कुछ भी, ये देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ अब मैं क्लियर कर दिखाता हूँ। जी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब कि मतलब बस यहाँ पे आते रुक रही है, मतलब ये इसके आगे कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं। ये बीच में ये लाइन दिख रही है आप, मतलब दिख रही नहीं होगी सॉरी, बट ये बीच में एक लाइन है, इसके अंदर बिल्कुल भी टच काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी। तो मैं, अगर आप ये मार्वेन से फ़ोन लेना चाह रहे हो, अगर आप मार्वेन से स्टोर के पास में रहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाँ आप ले लो। नहीं अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, अब मेरे को 2 बार जाना पड़ेगा, तो आप, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप रहने ही दें, आप और कहीं से परचेज़ कर लें, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। मैंने तो ये इसलिए लिया था क्योंकि एक्स मिल नहीं रहा था मार्केट में, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है अपन बड़ौदा से लेते हैं, और उन्होंने मेंशन कर रखा था इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि वो ब्रांड न्यू देंगे, बट ठीक है उन्होंने ब्रांड न्यू नहीं दिया, बट हाँ कंडीशन सही है फ़ोन की, डिज़र्व करती है थोड़ी बहुत। पर जो ये प्रॉब्लम आई है ये बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, मेरे को अपने अब डर लगने लग गया 30,000 रुपये का, कि मेरे 31,000 रुपये ख़राब हो गए। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप कहीं दूर से अपना टाइम ख़राब करके आ रहे हो फ़ोन लेने के लिए, तो आप अपने किसी, या तो कोई छोटा मॉडल ले लें, नहीं फिर आप ऑनलाइन नई न्यू ही परचेज़ कर लें। अब मैंने जब फ़ोन को परचेज़ करा तो मैंने अपना पुराना फ़ोन बेच दिया, अब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, क्योंकि मेरे को अब ये ख़राब हो गया और अब मुझको ये सर्विस पे डाल के आना पड़ेगा, पता नहीं कब तक ठीक करके देंगे। तो ये मतलब मैं तो आपको यही कहूँगा कि बिल्कुल भी रिस्क ना ले, अब टाइम की आपकी कीमत है और पैसे की भी आपकी यही कीमत है। मैं बस, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको पहले ही पता चल जाए, आप मेरी तरह ना हो कि जिसने ढूंढा भी हो यूट्यूब पे कुछ मिले ना, बस मैंने इसी कारण ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने भी ये फ़ोन लाने से पहले हर जगह ढूंढा था कि भाई इंस्टाग्राम वगैरह पे, टैक्स के अंदर, यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो देखी, बट किसी ने मतलब ऑडियो डाल रखी है, किसी ने फ़ोन मतलब शो नहीं कर रहा। मुझे लगा क्या पता इन्होंने बैन कर दिया हो, अब देखते हैं बैन कर दे तो मैं वीडियो तो खैर बनाता रहूँगा, मतलब इतना वेला नहीं हुआ हालांकि मैं, लेकिन अगर ये बैन वाली ही प्रॉब्लम है तो फिर तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो वहाँ पे जाते हैं फ़ोन लेने के लिए, तो चीटिंग करना ये तो कोई लाजमी बात नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी।